हाय, टुडे इज 31st of May 2020। आज संडे भी है। लेट अस हैव अ क्विक लुक ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू। आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज अबाउट अनलॉकिंग द कर्व, अनलॉक 1.0। इसमें नई गाइडलाइंस क्या इशू है एंड विल हैव अ लुक। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे इशू किया है। देन सेकेंड इज़ अबाउट हेराल्डिंग मॉनसून ज्योग्राफी। हम समझेंगे कि ये जो स्काईमेट है और इंडियन मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने फोरकास्ट में थोड़े डिफरेंसेस यहाँ पे दिए हैं। इनका क्राइटेरिया क्या है रेनफॉल, विंड फील्ड और आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन वैल्यू का, विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। थर्ड इज़ अबाउट LAC स्टैंड ऑफ विल बी रिजॉल्व्ड। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसको हम पीसफुली रिजॉल्व कर लेंगे। देन फोर्थ इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ आइटम, दैट इज़ अबाउट न्यू ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसको कैबिनेट नोट का अभी अप्रूवल मिल सकता है। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं और ऐसे ट्रीज जिनमें काटने पड़ते हैं, तो इनका ट्रांसप्लांटेशन क्यों ना किया जाए, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिफ्थ इज़ अबाउट नागालैंड गवर्नर टोल्ड टू डिफर डीलिमिटेशन प्रोसेस। हम समझेंगे ये डीलिमिटेशन प्रोसेस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनाई जाती है एंड नागालैंड में इसको डिले करने का क्यों बात हो रहा है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ये कुछ हाईलाइट्स हैं। वंदे भारत मिशन और कुछ और प्रोग्राम जो MEA ने किया है लास्ट 1 ईयर में, ये उसका हाईलाइट है। सेवन्थ इज़ अबाउट जॉर्ज फ्लॉयड, दिस इज़ अबाउट सिविल राइट्स मूवमेंट और USA में अभी प्रोटेस्ट फ्लेयर हुए हैं US सिटी में बिकॉज ऑफ दिस रेसिज्म। देन एट्थ इज़ अबाउट ट्रंप कट टाइज विद WHO एज COVID-19 ग्रिप्स लेटिन अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अभी अपने USA के जो टाइज हैं उसको कट कर दिया है। विल ऑल्सो ट्राई टू हैव एन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन हांगकॉन्ग ऑफिशियल्स प्रोटेस्ट US मूव अगेन, बिकॉज चाइना ज़्यादा अपना एम्फेसाइज कर रहा है हांगकॉन्ग में और रिटेलिएशन में USA ने कुछ यहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए थे हांगकॉन्ग में, अब उसका यहाँ पे काउंटर रिटेलिएशन हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विल सी अ कपल ऑफ न्यूज़ रिलेटेड टू COVID-19। देन FAQ सेक्शन में हम डिटेल में आज समझेंगे इस लॉक्यूस्ट अटैक को, ये इसका मैप है और ये इसे क्लाइमेट लिंक से कैसे इन्फेस्टेशन लिंक हो रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि इंडियन ओशन डायपोल में जो चेंजेस आ रहे हैं, इंडियन ओशन वार्म हो रहा है रिलेटिवली, उसके कारण ये अटैक ज़्यादा सीवियर क्यों हो गया है। देन 13th इज़ अबाउट गुरखा रेजिमेंट मिलिट्री बॉन्डिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स। इंडिया एंड नेपाल की स्पेशल फ्रेंडशिप है बट बिकॉज ऑफ दिस बॉर्डर डिस्प्यूट थोड़ी बिटरनेस आ रही है। विल गेट टू नो अबाउट दिस गुरखा रेजिमेंट। देन 14th वुड बी अबाउट द सोरो ऑफ फॉलन ट्रीज, हावड़ा बॉटेनिकल गार्डन। 15th है वाई इट्स सेफर टू पोस्टपोन इलेक्टिव सर्जरी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 35 to 40 minutes। सो लेट अस स्टार्ट। ये आज के एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। फर्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है एंड करना क्वारल को, डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट को एंड करना, दैट इज दिस। रीसरेक्ट का मतलब होता है रीस्टोर टू लाइफ, वापस नया जीवन प्रदान करना, दैट इज रीसरेक्ट। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है मॉडर्न है, सेम टाइम पे है, कंटेम्प्ररी है, कंटेम्प्ररी लीडर्स होते हैं हिस्ट्री में। देन दिस इज हॉचपॉच। हॉचपॉच अप्रोच है, मींस बहुत कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड मिक्सचर है, इनअप्रोप्रिएट अप्रोच है, हॉचपॉच अप्रोच। टेनेसिटी इज अ वेरी गुड वर्ड। टेनेसिटी का मतलब होता है परसिस्टेंस होना, डिटर्मिनेशन होना। इनडेलिबल का मीनिंग है नॉट एबल टू बी फॉरगॉटन। स्पॉटलाइट का मीनिंग है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एंड देन वेलर, गुरखा रेजिमेंट इज नोन फॉर देयर वेलर। वेलर का मीनिंग है करेज एंड ब्रेवरी। इन्फेस्टेशन लॉक्यूस्ट अटैक, प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स। इम्परेटिव का मतलब है क्रूशियल है, वाइटल, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट, फर्म एंड टफ। फैलेसी का मतलब होता है मिसकंसेप्शन है, डिल्यूजन है, आपका ऐसा बिलीफ है जो करेक्ट नहीं है, दैट इज मिसकंसेप्शन। स्मॉदरिंग का मीनिंग होता है सफोकेट और चोक। और इंट्रेपिड मीन्स करेजियस है, फियरलेस है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज अबाउट गवर्नमेंट इजेज अ स्लू ऑफ रिस्ट्रिक्शन मॉल्स रिलीजियस प्लेसेस टू ओपन। अभी तक लॉकडाउन हो रहा था, अब अनलॉक होगा। तो लॉकडाउन 4 था, अब अनलॉक 1 है। अनलॉक 1 इन अ नटशेल,
लॉकडाउन शेल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रिक्टली इन कंटेनमेंट एरिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह क्लैरिफाई किया है। सर्ज हुआ है COVID-19 का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैन टेक मेजर्स, यहाँ पे ऐसे अश्योरेंस दिए हैं। हमें वाइडर पब्लिसिटी की ज़रूरत है इन एडवांस में, अगर स्टेट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई रिस्ट्रिक्शंस अगर फॉलो करना चाहता है, सो दैट इनकन्वीनियंस नहीं हो और पीपल कॉन्फिडेंस में भी हो। मिनिस्ट्री होम अफेयर्स ने डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये गाइडलाइंस इशू किया है। कंटेनमेंट जोन होगा, लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा, नो नीड टू पैनिक ओवर सर्ज इन केसेस, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। स्टेट इज प्रिपेयर्ड, सिटी एंड रीजनल क्लस्टर्स फॉर्म्ड इन अ हब एंड स्पोक मॉडल टू रैंप अप टेस्टिंग। अब ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, नोट डाउन दिस कीवर्ड, हब एंड स्पोक मॉडल। रिकवरी रेट मीनवाइल 47.4% है। हब एंड स्पोक मॉडल में ऐसा होगा कि जो इंस्टीट्यूट्स और लैब्स हैं जिनमें कैपेसिटी है और एक्सपर्टीज है, सैंपल कलेक्शन का, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, RT-PCR, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो एक हब की तरह काम करेंगे। और ये हब बहुत सारे जैसे स्पोक्स निकलते हैं, ऐसे ये और फर्दर कनेक्शंस आगे प्रोवाइड कराएंगे फर्दर लेबोरेटरीज़ को RT-PCR मशीन्स एंड रिक्विजिट मैन पावर एज दे एक्सटेंडेड टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड होगा। तो गवर्नमेंट अब इस हब एंड स्पोक मॉडल से टेस्टिंग जो है उसको रैंप अप करने की कोशिश करेगी। हब्स क्या हैं, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब होंगी। डबलिंग टाइम मीनवाइल इंडिया में 14 to 15 days है। HCQ का जो यूजेज है वो अगेन ओपिनियंस इस पे डिवाइडेड है। हम इस अनलॉक वन इन अ नटशेल देखें तो इसमें फेज़ वाइज कुछ चीज़ें ओपन की जाएंगी। फेज़ वन है 8th of June से ये चीज़ें ओपन है, देन फेज़ टू में जुलाई में डिसीजन होगा, फेज़ थ्री में भी डेट्स अनाउंस होगा। लॉकडाउन रूल्स कंटेनमेंट जोन्स में यहाँ पे आइडेंटिफाई है, मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स दिया है, नाइट कर्फ्यू 9 PM to 5 AM हो गया है। वल्नरेबल टू COVID-19 जो है उनको एडवाइस किया जाता है कि आप स्टे एट होम। देन आरोग्य सेतु ऐप यहाँ पे एम्फेसाइज किया है, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्टेट्स यूटी में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन इफ नेसेसरी। तो जो DMA की जो गाइडलाइन है ये बेयर मिनिमम है, स्टेट इसको ज़्यादा स्ट्रिंजेंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट अनलॉकिंग द कर्व। पहले हम लॉकडाउन कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे ग्रेजुअल स्टैगर्ड वे में अनलॉक कर रहे हैं कंट्री और इकोनॉमी को। नाउ दिस इज़ अगेन अ गुड न्यूज़, दिस इज़ अबाउट हेराल्डिंग मानसून, मानसून का अराइवल। हमने 16th of May को ये ब्रीफ में देखा था मानसून कैसे आता है इंडिया में, चैलेंज होता है डिले और डेफिसिट, नॉर्मल डेट्स ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून है, मौसम की थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरी हैं, ये डिफरेंशियल हीटिंग, लैंड एंड सी, ITCZ, तिब्बतन जेट स्ट्रीम, इंडियन ओशन डायपोल, लानीना, अल नीनो एट्सेट्रा। देन ये बात हुआ हेराल्डिंग द मानसून, मतलब अब मानसून आ रहा है, बिकॉज आज 31st of May है और ट्रेडिशनली 1st of June को मानसून केरला में आ जाता है। तो ये यहाँ कोची में ऐसे मानसून का यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब ऑनसेट ऑफ मानसून यूजुअली 1st of June है केरला। यहाँ एक प्राइवेट है दिस स्काईमेट, स्काईमेट ने अनाउंस कर दिया है कि मानसून आ गया है। मीनवाइल जो IMD है वो ये बोल रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कंडीशंस आर नॉट येट राइप फॉर द डिक्लेरेशन। अब स्काईमेट ने जो पैरामीटर्स यूज़ किए हैं डिक्लेयर करने के लिए कि मानसून का अराइवल हो गया है, वो ये तीन पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर होता है रेनफॉल, सेकंड इज़ विंड फील्ड, और थर्ड है आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन वैल्यू। रेनफॉल क्या होता है, स्काईमेट ने देखा कि ये जो 14 वेदर स्टेशन है जैसे मिनिकॉय, अमिनी, ज्योग्राफी क्लास 9th and 10th, बहुत अच्छे से ये सारी ज्योग्राफिकल पोजीशंस वहाँ पे हमने अंडरस्टैंड की है, कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स, आइलैंड, कोस्टल एरियाज एट्सेट्रा। सो ये मिनिकॉय, अमिनी, तिरुवनंतपुरम, पुनालूर, कोल्लम, अलापुजा, कोट्टायम, कोच्चि, त्रिसूर, कोझिकोड, थलासरी, कन्नूर, कुडलू एंड मैंगलोर, ऐसे 14 स्टेशन पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेनफॉल 2.5 mm से ज़्यादा है फॉर 2 consecutive days, तो ये इसको कंसिडर करेंगे कि मानसून शायद आ गया है। विंड फील्ड होती है डेप्थ ऑफ वेस्टर्लीज, ये भी हमने ज्योग्राफी में देखा था, डेप्थ ऑफ वेस्टर्लीज शुड बी मेंटेन 600 hectopascal पे है, प्रेशर डिफरेंसेस होता है। और विंड हमने पढ़ा है कैसे फ्लो होती है, विंड हमेशा फ्लो होती है फ्रॉम से हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे डिप्रेशन फॉर्म होता है और विंड वहाँ पे ऐसे उसको फिल करने के लिए ऐसे मूव करती है। अब विंड का भी हमने पढ़ा है, विंड एक्स एक्सिस में भी मूव करती है और वाई एक्सिस में भी मूव करती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ विंड सेवरल टाइप ऑफ दिस सेल्स, एटमोस्फेरिक कंडीशंस, वेदर फिनोमिनॉन्स, ये सारे होते हैं। ज्योग्राफी 9th and 10th।
देन जोनल विंड स्पीड है विद इन रेंज है, देन थर्ड पैरामीटर है आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन वैल्यू, दिस ऑल्सो वी रेड, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बताता है एमिटेड टू स्पेस बाय सरफेस, बिकॉज सन जो है सोलर इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज इंसोलेशन, ये जितना अर्थ की सरफेस पे आता है बहुत ज़्यादा 100% ही इनफैक्ट वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड टू स्पेस बाय सरफेस, ये तीन पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं जो स्काईमेट ने लिया है, और इन तीनों की रीडिंग के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि यहाँ पे मॉनसून आ चुका है। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, इम्प्लीकेशंस ऑफ शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ इंडियन मॉनसून। इंडियन मॉनसून में हमने पढ़ा था दो प्रॉब्लम आती है, एक तो डिले हो जाता है या कई बार डेफिसिट हो जाता है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ मॉनसून काफ़ी अच्छा आया था, नॉर्मल मॉनसून था, इनफैक्ट थोड़ा सरप्लस बोल सकते हैं। ये जो मॉनसून है इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, अराइवल का टाइमिंग चेंज हो रहा है, और इससे हमारी इकोनॉमी, इंडियन मॉनसून का हमारी लाइफ एंड ऑल, इस पर क्या इम्पैक्ट होता है। एम्फेसाइज ऑन implication of shifting pattern. Yesterday you wrote about this short note on Indian monsoon. Now shifting pattern of Indian monsoon का क्या implication है? Indian monsoon very very important, extremely important topic है, 5-star topic है ये. Okay. So this is heralding monsoon. Now this is LAC standoff will be resolved. International relations, international border, bilateral ties, etc. Yeah, Mr. राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि आई टोल्ड हिम यूएस दैट इंडिया एंड चाइना ऑलरेडी हैड अ मैकेनिज्म दैट इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम बिटवीन द टू कंट्रीज इट इज रिजॉल्व बाय मिलिटरी एंड डिप्लोमेटिक डायलॉग से होगा। ये मैकेनिज्म इन प्लेस है एंड डायलॉग इज ऑन। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो किया है हमने कि ये कैसे ट्रूप्स यहाँ पे आए थे, एलएसी में स्टैंड ऑफ हुआ, हमारा सिचुएशन हुआ, देन हमने इसको जो अग्रीमेंट्स हैं बॉर्डर मैनेजमेंट 93 एंड 2013 उसके थ्रू सॉल्व करने का ट्राई किया है। देन मीनवाइल यहाँ पे गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लैरिफाई करे सिचुएशन एलएसी में क्या है और बिल्ड करे कंसेंसस भी। हमने चाइना का दिस नेशनल इंटेलिजेंस लॉ के बारे में भी समझा, टेक्नोलॉजी एंड दिस क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्री। नाउ जो सेन वॉइसेस होती हैं, विजडम होती है, वो ये होती है वी शुड हैव गुड रिलेशंस विद ऑल नेबर्स, रेस्पॉन्सिबल सोबर हमारी डिप्लोमेटिक यहाँ पे बात होती है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इसमें ऐसा चल रहा है। इंडिया चाइना जो है मीनवाइल उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है यूएसए का मीडिएशन ऑफर, तो अगेन दिस इज ऑन गोइंग। मीनवाइल डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लैरिफाई कर दिया है, फॉर फर्दर डेवलपमेंट विल हैव अ रिविजिट ऑफ दिस आर्टिकल। देन दिस इज वेरी गुड न्यूज़, यहाँ पे बात है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी मे गेट कैबिनेट नोड सून। अक्सर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमने देखे थे अरुणाचल में, देन वी सॉ दिस इन गोवा एज वेल, जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवे लाइंस हैं, रोड्स निकालना है एट्सेट्रा, तो उससे एनवायरमेंटल डैमेज होता है, ट्री का फेलिंग होता है। तो सी यहाँ बात है 10 सैम्पलिंग्स विल हैव टू बी प्लांटेड फॉर ईच ट्री बींग ट्रांसप्लांटेड। सी ऐसे ट्री काटना पड़ता है तो हर एक पेड़ के बदले में आपको 10 सैम्पलिंग लगानी पड़ेगी, ऐसा एक नया पॉलिसी में अभी बात चल रहा है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी 2020, नोट डाउन दिस कीवर्ड एंड यूज इट ऑफन। फॉर एनी प्रोजेक्ट 80% ऑफ द अफेक्टेड ट्री ट्रांसप्लांट करने की यहाँ पे मैंडेटरी बात की जाएगी, एक्सेप्ट इन प्रोजेक्ट्स जहाँ पे लेस देन 10 ट्री फॉल हो रहे हैं। अभी हमने मुंबई में भी पढ़ा था आर ए शेड और जो मेट्रो बनाने का था वहाँ पे भी काफ़ी सारा ट्री लॉसेस हो रहा था, तो ये एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जो सैम्पलिंग है ये 1 ईयर के अंदर सोशल ऑडिट भी होगा और इसका सर्वाइवल रेट भी देखा जाएगा। एक्सपर्ट्स के यहाँ ओपिनियन डिफर है, दे आर सेइंग एक्सपेंसिव है ये और सर्वाइवल रेट लो होती है ऐसे इनको ट्रांसप्लांट करते हैं अपन तो, और प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी पे भी क्वेश्चंस हैं। हमें क्या करना चाहिए, नोट डाउन दिस कीवर्ड, साइट ट्री रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत है, ये हम प्रिपेयर करें बिफोर एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को सेंक्शन देने से पहले। प्रायोरिटी होनी चाहिए ऑन साइट प्रिजर्वेशन की, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू, तो हमें ऑन साइट प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ ट्री है वहीं पे उसको प्रिजर्व करो। देन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो केवल और केवल फाइनल ऑप्शन होना चाहिए, फाइनल इनिशियल में हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, बिकॉज सर्वाइवल रेट इज़ लेस और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है प्रोसेस। सो दिस इज़ ट्री ट्रांसप्लांटेशन। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है, यहाँ पे बात है नागालैंड गवर्नर टोल्ड टू डिफर डीलिमिटेशन प्रोसेसेस। एक शेड्यूल 5 होता है, एक शेड्यूल 6 होता है। शेड्यूल 6 में कितने स्टेट्स हैं, टेल मी कितने स्टेट्स हैं यहाँ पे AMTM।
अब नागालैंड गवर्नर है टोल्ड टू डिफर डिलिमिटेशन प्रोसेस। हमने पॉलिटी एनसीईआरटी पढ़ ली है 9th एंड 10th, उसमें हमने जाना कि जो चुनाव होते हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन की जाती है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन की जाती है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन एरिया नहीं। जैसे दिल्ली कितना छोटा है बट यहाँ पे कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और लद्दाख कितना बड़ा है बट वो एक वन कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो ऐसे एमएलए चुनाव मतलब विधानसभा के लिए भी, और एमपी मतलब लोकसभा चुनाव के लिए भी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिजाइन की जाती है। ये काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, बाउंड्री कमीशन है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था, एक्ट के थ्रू बना है। ये बनाता है बाउंड्री ऑफ द वेरियस असेंबलीज एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेस्ड ऑन रीसेंट सेंसस, सेंसस मतलब पॉपुलेशन। अब नागालैंड में ये बोल रहे हैं कि डू इट आफ्टर पीस प्रोसेस इज कंक्लूडेड। डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है, एरिया नहीं होता है, रिमेंबर दिस। 2001 का जो फिगर है नागालैंड में बोल रहे हैं कि वो फॉल्टी और अनरियलिस्टिक है। 2011 में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी, और ऑनगोइंग नागा पीस टॉक्स भी अभी बैकड्रॉप है। सो दे आर सेइंग फॉर सम टाइम इसको डिफर कर दीजिए डिलिमिटेशन प्रोसेस को। दिस इज पेज नंबर 4, ये पेज नंबर 5 है, दिस इज पेज नंबर 5, दिस इज पेज नंबर 6, एंड देन दिस इज पेज नंबर 7, और ये है पेज नंबर 8। स्काईमेट सेज मॉनसून इज इन एंड आईएमडी सेज नो। देन दिस इज मिनिस्ट्री हाइलाइट्स वंदे भारत। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने पूरे साल भर के काम का यहाँ पे कुछ हाईलाइट दिया है, वंदे भारत मिशन को उसमें इन्होंने स्पॉटलाइट दिया है। वंदे भारत मिशन हमने देखा था 16th of May को, सेकेंड फेज जैसे था इसका। अब इसमें वंदे भारत मिशन में बात हुआ था कि जो इंडियन ओरिजिन के पीपल हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन कोविड-19 बाहर अटक गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स डायस्पोरा, तो स्ट्रैंडेड एनआरआई गल्फ से और अदर प्लेसेस लाइक यूएस, यूरोप, फॉरेन नेशनल्स, इन सबको हम रिपैट्रिएशन प्रोसेस से इंडिया वापस लेके आएंगे। नेवल शिप्स भी यूज़ होगा और एविएशन भी यूज़ होगा। एक समुद्र सेतु है यूएई मालदीव्स के लिए, शिप्स हमने सेंड किया था, मगर एंड दिस जलाशव भी। बात ये थी कि इनको लाने के बाद स्क्रीनिंग भी होगा और क्वारंटाइन भी होगा। एयर इंडिया की जो फ्लाइट है ऑन ड्यूटी है, और वो पेड था, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। इंडिया इलेक्शन ड्यू टू द नॉन परमानेंट सीट एट द यूएन 2021-22 अभी ड्यू है सिक्योरिटी काउंसिल का, ये भी यहाँ पे हाईलाइटेड है। इंडिया ने मीनवाइल सप्लाई किया कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल सप्लाई 154 कंट्रीज़ को। हमने डिप्लॉय किए रैपिड रेस्पॉन्स टीम, ये सारे अचीवमेंट हैं, एमएईए ने अपने अचीवमेंट्स बताए हैं। हेल्ड मोर देन 100 वर्चुअल डिप्लोमेटिक मीट। वंदे भारत मैमोथ कोऑर्डिनेशन एफर्ट था हमारा, हमने कोरोना इरा डिप्लोमेसी भी एक्टिवेट किया। सार्क जो है यहाँ पे स्पेशल कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया, इंडिया ने 10 मिलियन यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन किया, $10 मिलियन। इंडिया एम्फेसाइज करता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जून में यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस दिस जनरल असेंबली में इलेक्शंस होंगे 5 नॉन परमानेंट सीट्स इन सिक्योरिटी काउंसिल में। परमानेंट में तो हमें जगह नहीं है अभी, बट जो नॉन परमानेंट सीट होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें अभी हमारा सोल कंटेंडर है हम फॉर एशिया पैसिफिक सीट, और ये हम मिल जाएगा 2021-22 के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ हाईलाइट किया है। नाउ दिस इज इंडिया की रिकवरी रेट इज़ गुड 47%। HCQ पे वर्ल्ड डिवाइडेड है, दिस इज़ वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी ये कल से काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे फ्लेयर अप हो गया है यूएसए। दिस इज़ अबाउट जॉर्ज फ्लॉयड। ये जो पूरा मुद्दा है ये भी हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी में देखा था कि जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे यूरोप से, यूरोपियंस क्या करते थे यूरोप से आते थे, अफ्रीका ये है ये पूरा स्लेव इन्होंने कोस्ट बना दिया यहाँ पे, यहाँ से ये लोगों को लेके जाते थे दिस वेस्ट इंडीज़, दिस कैरेबियन आइलैंड्स एंड दिस यूएसए के इधर साउथ वाले, यहाँ पे इधर यूएसए में आते थे ये, और इन पूरे लोगों का होता था ट्रेड, ये हो जाता था स्लेव ट्रेड कहलाता था, ये अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ये 16th to 19th century तक बहुत चला है। फिर बाद में सिविल वॉर हुआ, 13th अमेंडमेंट आया 1865 में, इसने फॉर्मली अबॉलिश किया इस स्लेवरी को। ये बहुत इनह्यूमन और डार्क पास्ट है ह्यूमन हिस्ट्री का। यहाँ सिविल राइट्स मूवमेंट हुए, मार्टिन लूथर किंग आए, इनका क्रूशियल रोल था इस सिविल राइट्स मूवमेंट में। डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, अनफेयर ट्रीटमेंट, अगेन क्लास 10th पॉलिटी,
डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, अनफेयर ट्रीटमेंट, हमने एग्जाम्पल देखा था बेल्जियम का और श्रीलंका का, दोनों ने अलग रास्ते अपनाए और एक कहाँ पहुँच गया और दूसरा सिविल वॉर में थ्रू हो गया। सो जहाँ डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, अनफेयर ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे डेमोक्रेसी डिफीट होती है और केओस क्रिएट होता है, एंट्रोपी आती है। यहाँ पे पुलिस किलिंग हुआ, पब्लिक एंगर हुआ, प्रोटेस्ट फ्लेयर इन यूएस सिटीज। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू इन यूएसए पॉलिटिक्स, दिस रेसिज्म बेस्ड ऑन स्किन कलर। इंडिया में हम बिलीव करते हैं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, देर वुड नॉट बी एनी डिफ्रेंशिएशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये सारी चीज़ों के बेसिस पे कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है इंडिया में, राइट टू इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर करता है। सो दिस इज प्रोटेस्ट फ्लेयर इन यूएस सिटीज। देन मिस्टर ट्रम्प कट टाइज विद WHO एस COVID-19 ग्रिप्स लेट इन अमेरिका। WHO और चाइना, ये दोनों का रोल बहुत क्वेश्चन पे है दिस COVID-19 के स्प्रेड में। हैंडलिंग ऑफ WHO पेंडेमिक, USA इज बाय फार द हेल्थ एजेंसी का बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है। तो अगर ऐसे में US इस मोमेंट पे जा रहा है तो WHO वीक होगा। इंडिया मीनवाइल डिमांड करता है कि एक इम्पार्शल प्रोब होना चाहिए, चाइना का क्या रोल है और WHO का क्या रोल है COVID-19 में, बिकॉज ऐसी थ्योरीज भी आई थी कि ये जो कोरोना वायरस है ये वुहान की एक लैब से जनरेट हुआ है, मैनमेड है, ये बायो वेपन की तरह से यूज़ किया है। ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी है, पुलिंग आउट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम नॉट प्रूडेंट एंड प्रैक्टिकल है, ऐसा यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। नाउ 2015 में ऐसे में एक क्वेश्चन आया था, कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स। आज का जो वर्ल्ड देखें तो से WHO देखें या फिर से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखें, इवन वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पे भी और से नेशनल लेवल पे भी, इन पे काफ़ी सारे सवाल हो रहे हैं, इनकी अंडरमाइन हो रहा है इनका रोल एंड दिस ऑथेंटिसिटी, इनके लीडर्स पे भी सवाल उठ रहे हैं स्पेशली से WHO में। सो ये कहा जाता है कि कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। ट्राई टू मेक अ कमेंट ऑन से इन से 100 words। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। इंस्टीट्यूशंस मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इवन कंट्रीज भी एक इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, USA भी एक इंस्टीट्यूशन है एंड ऑल, और इसके लीडर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं और लीडर्स भी हैं, और कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर। नाउ नेक्स्ट इज दिस अबाउट फेसबुक से इज न्यूट्रल अगेन ट्विटर एंड दिस US प्रेसिडेंट में यहाँ पे भी ऑनगोइंग फाइट है कि ये जो प्लेटफॉर्म होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया, यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट दिस कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया है इस पर जो कंटेंट आ रहा है उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन दिस इज हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग ऑफिशियल्स प्रोटेस्ट US मूव, दिस ऑल्सो वी आर रीडिंग दिस फॉर पास्ट 1 week। चाइना का एफर्ट है नेशनल सिक्योरिटी बिल से हांगकॉन्ग में वो अपना ज़्यादा इन्फ्लुएंस लाना चाहता है। हांगकॉन्ग में वन कंट्री टू सिस्टम चलता है, 1997 में ये आया था, इससे पहले ये UK के पास था हांगकॉन्ग। अग्रीमेंट ऐसा था कि यहाँ की डेमोक्रेसी को प्रिजर्व रखा जाएगा, चाइना उसको सुपरसीड नहीं करेगा। चाइना के पास केवल डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स होता है बीजिंग के पास, बाकी हांगकॉन्ग को ऑटोनॉमी है। USA को बिकॉज ऐसा लगा कि चाइना हांगकॉन्ग की ऑटोनॉमी को कर्टेल कर रहा है तो USA ने काफ़ी सारे उससे राइट्स छीन लिए, हांगकॉन्ग को जो स्पेशल स्टेटस दिया था। यहाँ पे बात है कि US ने जो एंड किया है सिटी का स्पेशल स्टेटस फॉर कस्टम्स एंड ट्रेवल पर्पजेज, ये ऑल्दो अ बिट टू पनिश चाइना है, बट यहाँ हांगकॉन्ग कॉट इन क्रॉस फायर है और इससे USA को भी नुकसान होगा, डबल एज्ड सॉर्ड होगा। बिकॉज यस्टरडे वी सॉ कि हांगकॉन्ग बिगेस्ट अमंग ऑल वॉशिंगटन्स ट्रेडिंग पार्टनर है और वॉशिंगटन का यहाँ पे ट्रेड सरप्लस भी है। सो यहाँ से ट्रेड टाइज अगर इम्पैक्ट होंगे तो इन द वे वो USA के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। देन दिस इज बिजनेस न्यूज, देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल सारी न्यूज़ केवल COVID-19 और वेरियस फाइंडिंग एंड थ्योरीज पे है, सो विल क्विकली हैव अ लुक। कैन कोरोना वायरस स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ एरोसोल्स, इसमें भी स्टडी हो रही है, सम आर सेइंग यस, सम से हमें और ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत है। स्टडी मेजर्ड है साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेवल डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड ऑल। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल एक सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं जो एयर में ऐसे सस्पेंडेड होते हैं गैसेस में। एरोसोल कैन बी नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। नेचुरल एरोसोल कैसे होते हैं? जैसे फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल, मिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल, डस्ट, फॉरेस्ट एग्ज्यूड्स एंड गीजर स्टीम, ये सारे एरोसोल्स हैं।
एंथ्रोपोजेनिक में जैसे पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट एंड स्मोक इज एंथ्रोपोजेनिक, तो यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि ये COVID-19 एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है एरोजोल से और नॉट। दिस इज अबाउट प्लाइट ऑफ डॉक्टरल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। COVID-19 का बैकड्रॉप है, यूनिवर्सिटीज और जो लैब्स हैं ये क्लोज हो गई हैं, विल टेक अवे एटलीस्ट 6 मंथ फ्रॉम द प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ PhD स्टूडेंट्स। देन यहाँ पर है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू ब्लॉक कोरोना वायरस इन्फेक्शन आइडेंटिफाई, रिसर्चेज आर गोइंग ऑन, सर्च फॉर एन एनिमल मॉडल टू स्टडी COVID-19, फ्यू इन्फेक्टेड पीपल अकाउंट फॉर लार्जर वायरस स्प्रेड। ये हमने देखा है कुछ लोग सुपर स्प्रेडर बन गए, उन्होंने काफ़ी लोगों को, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्ट किया है। नाउ दिस इज FAQ। FAQ में लिखा है नो ऑप्शन बट टू टेस्ट मोर। हमने स्टार्टिंग जब कोरोना वायरस का थ्योरीज हम पढ़ रहे थे तो हमने 5 T's की बात किया था, दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने कहा था। देन हमने कोरिया मॉडल भी समझा था। कोरिया मॉडल क्या था, टेस्टिंग पे बेस्ड था, जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे आइडेंटिफाई करेंगे और आइसोलेट एंड देन रिकवर करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर दिस फाइट विद दिस COVID-19। तो ये पूरा यहाँ पे ग्राफ दिया है कि अगर लॉकडाउन टेस्टिंग अलग अलग मॉडल्स में क्या नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्शन और इनका ग्राफ हो सकता था। यहाँ लास्ट वर्ड ये आता है, इस पूरे का कंक्लूजन ये है कि वे ऑफ रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट पैंडेमिक जो है वो है कि हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग तो कम करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर करना है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन से इंश्योर हुआ है, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू टेस्ट सिग्निफिकेंटली। आइसोलेट करने की ज़रूरत है इन्फेक्टेड पेशेंट्स को और उनको ट्रीटमेंट भी देना है। जैसे केरला मॉडल में शुरुआत में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, तो कंटेन किया इन्होंने COVID-19 के स्प्रेड को, कुछ स्टेट्स में ये कंटेन नहीं हो पाया। सिग्निफिकेंट इंक्रीज टेस्टिंग एंड आइसोलेशन ऑफ पॉजिटिव केसेस से हेल्प होता है शॉर्ट ऑफ अदर पॉसिबिलिटी, इंक्रीज इम्यूनिटी और द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वैक्सीन। सो द होल एम्फेसिस इज कि लॉकडाउन के अपने लिमिटेशंस हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज गुड, बट वी नीड टू टेस्ट मोर, आइडेंटिफाई एंड देन आइसोलेट एंड देन गिव ट्रीटमेंट। ये लास्ट वर्ड है, ये सबसे अच्छा अभी हमारे पास ऑप्शन है COVID-19 से लड़ने का। दिस इज वाई इज द लोकस्ट सर्ज पोजिंग अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये एक बहुत बड़ा मैनेज बनता जा रहा है लोकस्ट का, कॉन्टिन्यूसली वी आर रीडिंग 23rd of May, 28th of May। ये लोकस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे टिड्डे होते हैं, ये इस टाइप के ये टिड्डे हैं, ये ग्रास ओपर्स हैं, ये स्वार्म आता है, बहुत सारे एक साथ आते हैं और ये स्टैंडिंग क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं विद इन अ डे, विद इन आवर्स इटसेल्फ। ये जो इंडिया में अटैक ऐसे हो रहा है, दैट इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम दिस अफ्रीका टू अरेबिया, देन ईरान, देन पाकिस्तान एंड देन दीज वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, डैमेजिंग राजस्थान एंड नॉर्दर्न गुजरात में। इससे फाइट करने के लिए हमने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का बात किया था, मेलाथियोन एंड ऑल, ताकि हम इसको स्टॉप कर सकें। जोधपुर में लॉकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वार्न किया कि ये बहुत बड़ा अभी आउटब्रेक हो रहा है लॉकस्ट का, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक। इको सेंसिटिव जोन एंड ऑल के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस भी इशू किया कि अब ड्रोन से भी इसका मॉनिटरिंग एंड दिस स्प्रे ऑफ दिस इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड इज पॉसिबल। देन फार्मर्स एंड ऑफिशियल्स नाइट लॉन्ग इन्होंने फाइट करने के लिए रेडी थे। नाउ विल सी कि सी दिस इज़ द वे, ये अफ्रीका का, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, यहाँ से ये मूव हो रहे हैं दिस अरेबियन पेनिनसुला में, दिस इज़ पेनिनसुला, देन यहाँ से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दे आर कमिंग टू इंडिया। सो दीज आर स्वॉर्म्स, ये डिवास्टेटिंग वेव आ रही है, स्वॉर्म्स एडवांस हो रहे हैं अफ्रीका, वेस्ट एशिया, एशिया में, चैलेंजिंग गवर्नमेंट एंड थ्रेटनिंग फूड सप्लाई एंड लाइवलीहुड को। यहाँ ये बात लिखा है कि वर्स्ट लॉकस्ट अटैक इन डिकेड्स हो सकता है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्सिटी अभी दिखाना नहीं चाहिए। देन एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ह्यूज क्रॉप लॉसेस हो सकता है अगर स्वॉर्म्स आर नॉट स्टॉप्ड बाय जून, क्योंकि मॉनसून विल लीड टू अ न्यू सीजन ऑफ सोइंग राइस, शुगर केन, कॉटन एंड अदर क्रॉप। तो अभी तो जो वीट की क्रॉप थी, राबी क्रॉप थी, वो हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो लॉकस्ट को कुछ मिला नहीं अटैक करने के लिए, बट ये नया क्रॉप भी तब तक रेडी होगा और वी वुड बी इन ट्रबल, सो वी नीड टू स्टॉप दिस लॉकस्ट। अब इसमें जो नया एंगल है, दैट इज़ अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट चेंज क्या इन्फेस्टेशन ज़्यादा कर रहा है? यहाँ हमने देखा है कि एक पैटर्न ऑफ वार्मिंग इन द इंडियन ओशन आ गया है, इंडियन ओशन का थोड़ा वार्मिंग हो रही है, सी वार्म हो रहा है। ये फिनोमिनन वो है, इसको हमने लिंक किया था इंडियन ओशन डायपोल। डायपोल मतलब सी सॉ चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव। जब पॉजिटिव डायपोल होता है मतलब यहाँ थोड़ा वार्मिंग ज़्यादा है और इंडिया में मानसून ज़्यादा आता है।
तो वार्म डिफरेंटली हो रहा है, आउटसाइज इम्पैक्ट इन ब्रिंगिंग एक्सेसिव रेन टू इंडिया एंड वेस्ट एशिया. लास्ट ईयर भी मॉनसून सरप्लस था. पॉजिटिव डायपोल इज वेन द वेस्टर्न पार्ट इज हॉटर बाय अ डिग्री और मोर देन द ईस्टर्न पार्ट. तो दिस इज इंडियन ओशन डायपोल और यहाँ पे वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन भी है. लास्ट ईयर ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डायपोल था. तो सी, लास्ट ईयर मॉनसून काफ़ी अच्छे आए इंडिया में, ड्रॉट नहीं हुआ, रेनफॉल काफ़ी हुआ. पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया, ओमान, यमन, ये वाले और ये वाले, यमन यमन ओमान वेस्ट एशिया में ये सारे पार्ट, और दिस अफ्रीका के भी, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी, इथियोपिया, सोमालिया और कीनिया में बहुत ज़्यादा ये वार्मिंग भी है और बारिश भी ज़्यादा होती है. बारिश ज़्यादा होगी तो यहाँ की जो ड्राई सैंड है उसमें मॉइस्चर लेडन हो जाएगी और ये मॉइस्चर लेडन सैंड एक बर्थ इनको देगी लोकस्ट स्वार्म को, ब्रीडिंग स्पॉट बन जाएगा लोकस्ट स्वार्म का, और फिर ये स्वार्म ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पे इंडिया में आ सकता है. फेवरेबल विंड्स होगी, अरेबियन पेनिनसुला, ईरान, पाकिस्तान से वेस्टर्न इंडिया में आ जाएगा ये. COVID-19 का जो लॉकडाउन है इससे प्रॉब्लम हुआ कि लेबर शॉर्टेज हो गया, नॉट इनफ है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए, और एडमिनिस्ट्रेशन भी ओवरलोडेड है. हमारा अभी COVID-19 को कंटेन करने में फोकस है, तो लोकस्ट का थ्रेट इस पूरे एपिसोड में एम्प्लीफाई हो रहा है. दिस वी हैव अगेन रेड दिस इन ज्योग्राफी बुक्स कि ये कैसे यहाँ पे डायपोल एंड ऑल वर्क करते हैं यहाँ पे. नाउ सो दिस इज वाई इज द लोकस्ट सर्ज पोजिंग अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर इन इंडिया. ये प्रोफाइल है, यूजुअली डिस्पैचेस आता था, अब यहाँ पे प्रोफाइल्स आया है. इसमें मिलिट्री बॉन्डिंग बियॉन्ड बॉर्डर, गुरखा रेजिमेंट की बात किया है, दिस इज इसराइल इलेक्शंस, और ये सोरो ऑफ फॉलन ट्रीज में. गुरखा जो रेजिमेंट है ये मिलिट्री बॉन्डिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स है नेपाल, बट इंडिया में इंडियन आर्मी के अंदर ये वर्क करती हैं. बॉर्डर डिस्प्यूट जो हुआ उससे स्पॉटलाइट आ गई है गुरखा रेजिमेंट में. इंडिया और नेपाल, हमें समझने की ज़रूरत है कि जो इंडिया और नेपाल का रिलेशन है ये बहुत स्पेशल फ्रेंडशिप है, रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है इसे. तो वी नीड टू स्टॉप दिस ग्रोइंग बिटरनेस. हम कैजुअली ऐसे रिमार्क पास कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं सोशल मीडिया एंड ऑल पे, इसके रिपरकशंस होते हैं बायलेटरल रिलेशंस में भी, एक बिटरनेस क्रिएट हो जाती है. सो दैट इज़ वाई वी ऑल नीड टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. अननेसेसरी ये बिटरनेस हमें नहीं करना है. गुरखा जो रेजिमेंट है ये जानी जाती है, ये बैटल हार्डन ट्रूप है, इनका प्रूवन रिकॉर्ड है लॉयल्टी के लिए, वैलर के लिए और ग्रिट के लिए. दे आर एक्सेप्शनल. इंडियन आर्मी में करीब 32,000 गुरखाज हैं, 40 बटालियन है, 7 रेजिमेंट्स हैं. शीयर टेनेसिटी, एक्सट्रीमली वेल फॉट यूनिट है और बहुत अच्छा इनका फाइटिंग स्किल्स एंड ऑल है. डिटर्मिनेशन, करेज, कॉम्बैट स्किल्स इज एक्सेप्शनल. लेट सेन वॉइसेस प्रिवेल्स, इट टेक्स सेंचुरीज टू बिल्ड अ रिलेशनशिप. ये हमें समझने की ज़रूरत है, इतने ईयर्स सेंचुरीज का जो रिलेशनशिप है उसको हमें बिटर नहीं करना चाहिए. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें जनरल डेविड दिस ऑक्टर लॉनी, इन्होंने इस गुरखा रेजिमेंट को पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आए, फिर इंडियन आर्मी में ऐसे करके इनका स्टार्ट कर दिया था. सो नाउ दे वर्क फॉर दिस इंडियन आर्मी, वर्क इन दिस इंडियन आर्मी. स्पीकिंग ऑफ द गोरखा, ये सैम मॉनिक शॉ हैं, 5-star जनरल रहे हैं ये, इंडियाज फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, हु हिमसेल्फ बिलोंग टू द 8th गोरखा राइफल रेजिमेंट. इन्होंने एक बार कहा था, इफ एनीवन टेल्स यू ही इज नेवर अफ्रेड, ही इज लायर और ही इज अ गोरखा. सो दिस इज देयर करेज, दिस इज देयर वैलर. नाउ दिस इज अबाउट बॉटेनिकल गार्डन. दिस इज़ द सोरो ऑफ फॉलन ट्रीज. 25th ऑफ मे वी डिस्कस्ड हावड़ा का ये बॉटेनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, जेसी बोस, 1787 में एस्टेब्लिश हुआ था, 273 एकर में है. ये ग्रेवयार्ड ऑफ ट्री बन गया. वाई? बिकॉज ट्री का फॉल हो गया इस साइक्लोन अम्फन के कारण. कमर्शियल कल्टिवेशन यहाँ पे महोगनी एंड रबर का पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है. 250 ईयर ओल्ड ट्री भी है यहाँ पे, ग्रेट बनियान ट्री, फॉर्चुनेटली वो सर्वाइव हो गया है. नाउ दिस इज नोन बाय दिस जगदीश चंद्र बोस, ये बहुत बड़ा नाम है इंडिया में. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस जेसी बोस और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, से इन 50 words, जगदीश चंद्र बोस, यू शुड नो अबाउट हिम. देन दिस इज स्पोर्ट्स एंड लाइफ, यहाँ पे लिखा है वाइट सेफर टू पोस्टपोन इलेक्टिव सर्जरी. सर्जरी अभी इलेक्टिव है तो उसको पोस्टपोन करना इज एडवाइजेबल. वाई? बिकॉज COVID-19 पैंडेमिक से ऑलरेडी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है और रिस्क ऑफ कैचिंग इन्फेक्शन भी हाई होता है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज. सो वाई इट्स सेफर टू पोस्टपोन इलेक्टिव सर्जरी, एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग दिस. सो टूडे वी रेड अबाउट दिस पोस्टपोन इलेक्टिव सर्जरी. This is Sorrow of Fallen Trees, Howrah Botanical Garden. Write a short note on Jagdish Chandra Bose. इनके अचीवमेंट, इनका वर्क, इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है.
Then this is about Gurkha regiment. We should remember, let sane voice, responsible voice prevails. It takes centuries to build a relationship. We need to value it. Then this is about मॉनसून एंड दिस इज अबाउट लॉक्यूस्ट अटैक. ये लॉक्यूस्ट अटैक कैसे इंटेंसीफाई बहुत ज़्यादा हो रहा है इस बार. क्लाइमेट लिंक टू द इन्फेस्टेशन, रिमेंबर दिस. देन दिस इज लॉक्यूस्ट अटैक. यहाँ पे हमने देखा नो ऑप्शन बट टू टेस्ट मोर. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर नाउ. ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोर और लेस कोविड 19 रिलेटेड थ्योरीज एंड ऑल है. देन दिस इज हांगकॉन्ग ऑफिशियल्स प्रोटेस्ट US मूव बिट टू पनिश चाइना. Character of an institution is reflected in its leaders. Character of an institution is reflected in its leader. यहाँ WHO and COVID-19 Latin America. George Floyd, ये again civil rights movement. We need to stop this. ये जो racial discrimination है, this is not good. Then यहाँ पे MEA की highlights हैं. वंदे भारत मिशन highlight किया है इन्होंने. डीलिमिटेशन कमीशन, नागालैंड गवर्नर को इन्होंने कहा कि आप इसको थोड़े टाइम के लिए डिफर कर दीजिए. ये ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी है, रिमेंबर दिस वर्ड्स. साइट ट्री रिपोर्ट प्रिपेयर करें हम. ये काफ़ी क्लैशेज होते हैं डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच में. देन दिस इज LAC स्टैंड ऑफ विल बी रिजॉल्व्ड. इम्प्लीकेशन ऑफ शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ इंडियन मॉनसून. ये पैरामीटर्स स्काईमेट ने लिए हैं. पैरामीटर ने रेनफॉल, विंडफील और आउटवेव लॉन्ग वेव रेडिएशन. देन दिस इज अबाउट अनलॉक. अब लॉकडाउन नहीं है, अब अनलॉक दिस वन इन अ नट शेल. सो दिस इज 31st of May 2020. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.